हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका वापस आ गई हूँ आपके साथ एक और अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। एंड जैसे कि आपने मेरे वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो हम जल्दी से स्टार्ट किए कर देते हैं। अगर लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल के लिए नए हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे सारे वीडियोस को मिस नहीं करो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कि दो तीन तरीके हैं जिस तरीके से हमको आईब्रो जो है वो पार्लर फिनिश मिलती है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस यू नो टू थ्री वेज, जिसमें से एक जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा मतलब इफेक्टिव है। वो जो जिस टूल के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, अगर वो जो है वो टूल जो है वो आपका ना 5 मिनट में आपको बिल्कुल 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 ही पार्लर जैसी फिनिश देने वाला है आईब्रोज की। तो अगर आप देखना चाहते हो कि वो कौन सा टूल है तो वीडियो में एंड तक बने रहो। सो सबसे पहले उस टूल की बात करने से पहले मैं कुछ दो और चीजें ऐसी हैं जिससे हम आईब्रो फिनिश अच्छी कर सकते हैं आईब्रो की, वो है बेसिकली दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज फेशियल रेजर और दिस इज प्लकर। ओके, मैं इन दोनों के बारे में बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी ये दोनों चीजें यूज करते हैं एंड देयर इज नो हार्म व्हाइल यूजिंग दीज थिंग्स। कोई बुराई की बात नहीं है क्योंकि प्लकर जो है वो भी हमारे जो आईब्रो के हेयर्स है उनको वन बाय वन यू नो यू कैन प्लक इट, बट ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है और अगर आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो ये काफी पेनफुल होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू जस्ट प्लक योर हेयर्स लाइक दिस। तो जैसे आईब्रो में हमको लाइक थ्रेडिंग में पेन होता है, उसी तरीके का टू सम एक्सटेंट पेन इसमें होता है। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फेशियल रेजर, ये भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड इट विल जस्ट यू नो जैसे रेजर काम करता है वैसे ही काम करेगा। बट बस प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ आपको बहुत प्रिसाइज होना होगा, गलती से भी थोड़ा इधर उधर लगा तो आईब्रो उड़ गई समझ लो। तो यार ये बहुत ज्यादा मतलब आपके हाथ अगर बहुत ज्यादा सही से काम करते हैं तो आपको इसको इस्तेमाल करना सही रहेगा, एल्स आई विल नॉट यू नो सजेस्ट टू यूज दिस ऑन आईब्रोज। हाँ, इसके लिए आप फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इट इज अ वेरी नाइस टूल फॉर फेशियल हेयर्स, बट फॉर आईब्रोज इट्स नॉट दैट मच गुड। एंड येस यू कैन गो विथ, अगर आप अभी लॉकडाउन में हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन गो विथ दिस प्लकर थिंग, ये इट इज क्वाइट इफेक्टिव। और अभी फिलहाल के लिए तो हम जब कहीं बाहर ही नहीं जा सकते तो हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो हमें इतनी ज्यादा फिनिश आईब्रो की चाहिए नहीं। येस इट विल लुक क्लीन, ये बात सही है, बट हाँ टू सम एक्सटेंड इट इससे पेन होता है। तो चलो ये तो रहा इन दोनों के बारे में, बट नाउ द थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक स्पेसिफिकली और जो मुझे अभी कुछ टाइम पहले मिला एंड आई वॉज शॉक्ड, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ था पहली बात तो इसको देख के। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, दिस इज फ्लॉलेस ब्राउज और इट इज 18K गोल्ड प्लेटेड, विच आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट ट्रू, बट ओके बिकॉज प्राइस के हिसाब से आई डोंट थिंक सो। एंड देखो बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज थे। मैंने बेसिकली ये प्रोडक्ट अमेजोन पे भी है और ये प्रोडक्ट आपको बाहर भी अवेलेबल हो जाता है इजिली इफ यू आर लिविंग इन अ यू नो बिग बिग सिटीज लाइक पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे इजिली अवेलेबल हो जाता है ये कॉस्मेटिक शॉप्स पे। लेकिन अगर नहीं है तो भी आप अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसकी। और यार ये काम किया, और आपको पता आपने इससे पहले भी इस प्रोडक्ट को देखा होगा, जैसे मैंने देखा है, मुझे कभी भरोसा ही नहीं होता था यार ये सच में काम करता है कि नहीं। बट अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि अब लॉकडाउन फिर से हो गया है एंड अगेन इट इज वेरी मतलब डिफिकल्ट कि आप आईब्रोज को यू नो मैनेज कर पाओ। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, अगर इतना बात कर रहे हैं तो लेट मी ट्राई वंस। तो मैंने इसको परचेज किया, आई विल टेल यू लाइक इसका प्राइस 200-300 समथिंग था, दैट्स व्हाई आई थॉट चलो ठीक है एक बार जुआ खेल लेते हैं। ठीक है, मैंने मंगा लिया इसको एंड अब मैं बता देती हूँ कि इसका इसका पैक इसका जो प्रोडक्ट है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, इट्स अ पेन लाइक प्रोडक्ट और इसका पैकेजिंग वॉज गुड, नॉट बैड। ठीक है, आपको ज्यादा इससे उम्मीद कर नहीं सकते हो। ओके, तो इसकी पैकेजिंग में ऐसे ना ये प्रोडक्ट आता है, ये ब्रश आता है ऐसे, ठीक है, और ये आता है इसके साथ एक मैनुअल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उन्होंने मैनुअल दिया है तो ये अच्छी बात है।
ठीक है, एंड काफी हेल्पफुल था ये मैनुअल। इसका इस तरीके से एक कैप है, यहाँ पे इसको ओपन करने पे यहाँ पे एक पेंसिल सेल लगता है जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, आप कहीं से भी ले सकते हो। और अभी क्या है कि ये इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे एक अंदर आई डोंट नो द मैकेनिज्म एग्जैक्टली, बट ये ऐसे वाइब्रेट करता है, व्हेन यू मूव अराउंड दिस इट विल जस्ट यू नो रोटेटिंग लाइक दिस, एंड वो उसके बाल रिमूव कर देता है आईब्रोज के, ठीक है, तो इट इज लाइक दिस। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इसको परचेज किया, फिर इसमें आपको अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है इनके जो ये गाइड है कि कैसे क्या यूज करना है, ओके तो नाउ अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये। अब फॉर दिस आई शो यू, आई ट्राई टू शो यू कि कैसे ये हेयर रिमूव करता है। तो आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे हेयर्स का एक पैच है करें, तो मैं अभी इसको रिमूव करती हूँ इससे। ओके तो शायद अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि पैच काफी रिड्यूस हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा क्योंकि प्रिसाइजली करती हूँ क्योंकि आईब्रो का मामला है, आई विल जस्ट डू दैट। सो नाउ यू कैन सी दिस आईब्रो, ओके यू कैन सी, अभी भी इसमें अगर हेयर्स है तो ये ऐसे दिख रही है। इसको देखिए आप, मैं बहुत ज्यादा करीब नहीं गई हूँ क्योंकि मैं ये जो एक दो हेयर्स है इसको मैं प्लक कर सकती हूँ इजिली, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो कितना स्मूथ एंड परफेक्ट फिनिश है। और जो मैं इसके फायदे बताने वाली हूँ ना आपको, उसको सुन के तो आप एकदम शॉक होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट्स अ पेनलेस प्रोसेस, एंड आई मीन इट गाइज, आई मीन इट। मुझे पेन, यू नो, आई एम नॉट एबल टू बियर पेन, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं आईब्रो से बहुत कम बनवाने जाती हूँ, बट यार ये जब से मेरी लाइफ में आया है, सीरियसली, मैं कोई पेड रिव्यू नहीं है, वैसे भी 300-400 रुपए की चीज है, मैं क्यों पेड रिव्यू करूंगी इसका। और एक ऐसा टाइम चल रहा है यहाँ पे अभी, हमको सीरियसली ऐसे कुछ चीजें चाहिए जो हम घर पे यूज कर सके ताकि हम बाहर ना निकले, तो बहुत जरूरी है क्योंकि घर पे रहना इस पॉइंट ऑफ टाइम में इज अ मस्ट हैव थिंग। तो इसलिए मुझे लगा कि यार मुझे इसके बारे में शेयर करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत यू नो लाइफ सेविंग हैक है लड़कियों के लिए। जो भी यार आप अगर अभी भी मतलब अभी भी सोच रहे हो क्या कैसे करना है क्या करना है, लिटरली यू कैन सी ये एक तो हेयर्स हैं, ये तो मैं एनीवेज प्लग कर लूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कितना फिनिश सही है। यहाँ पे देखो आप हेयर्स दिख रहे हैं प्रॉपर, यहाँ पे देखो आप कितना अच्छा दिख रहा है। तो यार मेरी मानो अगर, तो ये प्रोडक्ट जो है ना, ये दिस इज गोइंग टू बी यू नो इन योर फेवरेट लिस्ट, ये आपका हमेशा के लिए लाइफ सेविंग हैक, लाइफ सेविंग टूल होने वाला है मेकअप टूल। तो इसको हमेशा अपने पास रखो। एनीवेज अगर पार्लर खुल भी जाते हैं, अगर आप कोई इमरजेंसी में हो, अचानक से आपको कहीं पे जाना है और आपको लग रहा है कि एक दो हेयर्स दिख रहे हैं, यू कैन जस्ट यू नो मूव इट लाइक दिस। जैसे ही आपने आईब्रोज अपनी बना ली हैं प्रॉपरली, तो अब आते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को कैसे रखना है। तो अभी आपको क्या करना है, ये ब्रश का हेल्प लेना है। इससे क्या करना है, ये जो आपको लाइंस दिख रही है इसको प्रॉपरली ऐसे करके क्लीन कर लेना कि अगर कोई हेयर्स फंसे हैं तो वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा, ताकि कोई इसके यू नो इंटरनल सिस्टम को कुछ डैमेज ना हो, वो हेयर्स अगर अंदर गए तो कुछ मैकेनिज्म फेलियर ना हो जाए इस चक्कर में। तो आप क्लीन करके इसको वापस से ऐसे ही जस्ट बॉक्स में रख देना, जब भी आपको यूज करना है तो जस्ट हैव टू क्लिक दिस एंड यू आर रेडी टू गो। इट्स वेरी इजी। Now I'm just going to give you few tips जो कि आपको in general threading के लिए याद रखनी है and also with respect to this specific product. So first thing, क्योंकि हमारा जो shape है eyebrows का उसको बनाना again मतलब reshaping करना is very difficult through this tool. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपका जो भी shape है, बस आप हर 5-10 दिन के लिए जैसे ही growth आए थोड़ी बहुत नई, आप उसको clean कर लो ताकि जो शेप है वो मेंटेन रहे, क्योंकि रीशेपिंग इज नॉट दैट मच यू नो क्योंकि मतलब रीशेपिंग इज नॉट डुएबल विद दिस स्पेसिफिक टूल, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हो जब तक अभी पार्लर्स एंड ऑल नहीं खुल रहे हैं। तो सेकेंड चीज, आपको ना हमेशा ही अपवर्ड पुल करके
आईब्रो को इसको पेन को यूज करना है ताकि आपको प्रॉपरली दिखे कि एक्स्ट्रा हेयर्स कहाँ है, तो ऐसे ही करके हमेशा यूज करिएगा, ठीक है। ये इजी होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं अपने बाकी के जो हेयर्स प्रॉपर आईब्रो में है अगर आप ऐसे करोगे, क्योंकि यहाँ की स्किन थोड़ी लूज होती है, वैसे कट वगैरह लगने के चांसेस तो नहीं है, बट स्टिल मेक इट टाइट, क्योंकि हम ऐसे भी आईब्रोज बनाते हैं तो हमेशा इसको टाइट रखते हैं, तो आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको आईब्रो बनवाने के बाद काफी जलन होती है आईब्रो में, तो उसके लिए एक मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ, वो है बेसिकली एलोवेरा जेल। जब ही भी आप आईब्रो बनवाओ, आईब्रो बनवाने के जस्ट, या आईब्रो अभी आप इस पेन से भी बना रहे हो, तो आपको उसके बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है। आपको आईब्रो बनवा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है। यू हैव टू मसाज दिस एलोवेरा जेल ऑन योर फिंगर टिप्स एंड जस्ट हैव टू अप्लाई लाइक दिस। आपको प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई करना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर आप एक थोड़ी सी लेयर भी लगाना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई, क्योंकि ये सूख जाएगा। बट इससे क्या होगा, अगर आपको कुछ भी यू नो इन्फ्लेमेशन होता है या कट लग गया हो बाय चांस, तो एलोवेरा हैज वेरी गुड प्रॉपर्टीज ऑफ हीलिंग दैट पर्टिकुलर कट और समथिंग, तो आप ये यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ओके, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। हाँ, बस आई जस्ट से दैट कि एक बार हम अमेजोन पे देख लो, आई नो इस पॉइंट ऑफ टाइम में महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली अमेजोन डिलीवरी जो है वो, और अदर एप्स की डिलीवरी है वो थोड़ा सा इन्होंने रोक के रखी हुई है, तो आप कुछ टाइम वेट कर लो। आई थिंक इन वन वीक और सो ओपन करने वाले हैं वापस से, तो उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हो। लेकिन बाकी सारी लोकेशंस पे आप अभी भी ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, मैं लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड द प्रोडक्ट नेम इज फ्लॉलेस ब्राउज, ओके, तो यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर फ्रॉम दैट। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर करो अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि ऐसी कोई पेनलेस प्रोसेस है जिससे हम आईब्रोज बनवा सकते हैं, और वो भी घर बैठे ही, बिल्कुल यू नो थ्रेडिंग थ्रेड से जो हम आईब्रो बनवाते हैं उसके जैसी फिनिश मिलती है। तो एंड या आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो यू नो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना मत, ओके। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।